की जगह सर इंटरप्रिटेशन होगा तो सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का
सेम डायरेक्शन से इधर और इधर ऐसे रख रहे हैं, इस पैरेलल लग रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में दोनों क्या करेंगे, एक इसकी वजह से भी टाइम डेवलप होगा इसकी वजह से, बट वो दोनों नेट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो नेट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। जैसे आपने शीशा छोटे रहे स्कूलों में क्या लगा होता है, आप वगैरह में शीशा, शीशा को क्या देखने वाला बैलेंसिंग पॉइंट पे जो काम करता है, ठीक है, उसमें बीच में क्या कहते हैं उसका इंच होते हैं, एक बच्चा इधर बैठता है दूसरा इधर बैठता है, दोनों अप एंड डाउन मूव करते हैं। अगर दोनों इक्वल मास के हों और इंड टू इंड क्या है सेम डिस्टेंस पर बैठे तो क्या आप डाउन होता है, एक तो थोड़ा सा क्या आ गया तो पुश कर लिया, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको पुश करना पड़ेगा तब जाके होता है, ठीक। तो कंडीशन अगर दोनों स्थिर है पहले से रुके हुए हैं तो अगर सेम मास के सेम पोजिशन पर तो क्या करेंगे रुके, इसकी वजह से जो टॉप डेवलप होगा वो इसकी वजह से आपको क्या करेगा कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो वो कंडीशन आपकी होती है, अब उसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है, कुछ करता है दूसरा नीचे आकर ऊपर शुरू होता है, तो वो कंडीशन आपकी जो होती है, मतलब क्लियर आपको फोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। फिलहाल का पल हम तब केवल टर्म देंगे जब फोर्सेज मैग्नीट्यूड में कैसे हैं इक्वल, जैसे वहाँ पर लोगों ने पढ़ा था क्या जी डाइपोल, डाइपोल पढ़ा है नहीं पढ़ा याद है, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक। तो वहाँ पे चार्जेस कैसे लेते थे आप इक्वल एंड अपोजिट, ऐसे यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं दोनों बात करते हैं अपन कौन सी बात करते हैं, तो जब भी हमारे कोई बॉडी है ये सेंटर पोजीशन है, अगर आपका एक फोर्स इधर लग रहा है दूसरा फोर्स बेटा इधर लग रहा है, इनके बीच का सेपरेशन जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ले लो जो भी ले लो, अगर फोर्स की वैल्यू हमारी क्या है यह है या आप ले लो जो भी, इस पोजीशन का क्वांटिटी के दोनों क्या करेंगे इसको ये इधर ले जाएगी इधर ये रोटेट कर देगा, ठीक। ये कंडीशन अपन कपल का फॉर्मेशन करेंगे और कपल के लिए भी फार्मूला लेने पर वही मिलेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे वहाँ पर लोग क्या लेते हैं डाइपोल तो चार्ज दोनों का नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड आप चार्ज इनका होता था इनटू क्या सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज, जैसे यहाँ पर होगा फोर्स इंटू सेपरेशन बिटवीन बोथ फोर्सेस, तो कपल भी ऐसे क्या होता है पेयर ऑफ फोर्स के द्वारा टॉर्क डेवलप होता है, तो हम क्या टर्म देते हैं क्या कपल कह देते हैं, और सिंगल के लिए होता है स्पेशली मनुष्य को टॉर्क कह देते हैं, दोनों का पर्पज आपका वही होता है, ठीक है। दोनों का पर्पज क्या है सिंगल है, उसके बेस पर आप यहाँ से प्रयोग कर लेंगे कि आपका कैसे होगा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो दो मैंने लिख लीजिए निकले टॉर्क डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, टॉर्क को डिफाइन कैसे करते हैं, टॉर्क को डिफाइन कैसे करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड इसके बीच क्या होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे साहब रोटेशन है लाइन ऑफ फोर्स उनके बीच में क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका होता है, जब यहाँ पर दिखाएंगे बेटा जैसे मान लो कोई बीमारी है समथिंग जो भी है, अगर ये आपका है पॉइंट ऑफ एक्शन फोर्स आपने अप्लाई किया दिस यार है फोर्स आपने अप्लाई किया दिस ना एस टाउन अगर तो मुझे बेटा आपका एस का अगर थीटा की वैल्यू 90 होगा तो कहिए या फिर थीटा की वैल्यू कितना 90 डिग्री टाउन की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू की वैल्यू हमारी क्या होगी मैक्सिमम, और थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो थीटा इक्वल टू 0 टाउ आर से इक्वल टू क्या हो जाएगा
जी तो बस आपकी बैलोजी के तहत डेटा जो है जो लगाया जा रहा है वो जो आप क्या लगा रहे हो फोर्स लगा रहे हैं क्या ठीक है वो पैरेलल क्या होगा पैरेलल आपका क्या स्थिति हो पोजीशन वेक्टर या लीनियर वेक्टर जो उस कंडीशन में वहाँ पे वो टार का डेवलपमेंट नहीं करेगा वहाँ पे टार का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है अगर दोनों के बीच का आज लेट कैसे सब हो गया बेटा तो सर रास्ते में जाम लगाया क्या Thank you.
का ज्ञान दिया? Six are 14.6.
ठीक है, ये रूट लेके बेटा पर्सिस पॉइंट के बाद में ही सेंस आएगा, पाई में आता है उसके बाद सेंस लेने के लिए, तो हो गया दूसरे इंटो मीटर। तो अगर मैंने इंटो भी सेंस कर तो यहाँ आपको मार्ट लेके निकाल देना आप, और अगर क्या केवल आपको वेक्टर फॉर्म में पूछे करता हूँ मैं तो मैं कर लीजिएगा। आपके रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर आईएमपी के टाइम में दिया गया है तो आप ठीक यहां से डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, जैसे हम लोग वहां पर पढ़ते थे, v = s / d, ds / dt, तो वहां v देते थे,
ओमेगा हो जाएगा, तो पी इक्वल टू हो जाएगा टाउ इनटू वन। ये पावर है आपका, क्या है आपका पावर है, पावर इक्वल टू हो गया क्या टाउ इनटू ओमेगा। हम लोग वहां पे पावर का फार्मूला पढ़ते हैं एफ टू बी, एफ डॉट बी, तो ऐसे यहां पे पावर का हो गया टाउ इनटू क्या ओमेगा। क्वेश्चन से आपको बोला था ना, अगर ट्रांसलेशनल मोशन प्रो आपका क्लियर है तो रोटेशनल मोशन कंपेयर कर दो सारे फार्मूले से ही, ठीक है, सारे जो फार्मूले हैं उसी को रिलेट करके हैं। अगर ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन आते सभी लोग जानते हैं, कोई भी अगर उस लेवल पे पढ़ा तो ट्रांसलेशन मोशन के बारे में ए बी सी डी तो पता ही होगा सबको, ठीक है, उसी को रिलेट कर लो आपका रोटेशन मोशन तैयार हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन हो गया, यानी पावर की वैल्यू हो गया टाउ इनटू कितना हो गया ओमेगा के बराबर। ओमेगा यहाँ पे होता है क्या बेटा, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, कौन सा है एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कह देते हैं। ठीक है, ये केस आपका हो गया, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा इसके बेस पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, बस मेरे क्वेश्चन इसमें भी कर लीजिए। तो स्क्वायर नहीं, नहीं बहुत बड़ा लगता है ना, पता ही नहीं है ना, निकाले से आती है
बाई एप्लाई ए फोर्स, बाई अप्लाइंग ए फोर्स एफ इक्वल टू, बाई अप्लाइंग ए फोर्स एफ इक्वल टू फोर आई, फोर आई प्लस थ्री जे, फोर आई प्लस थ्री जे प्लस के न्यूटन, प्लस के न्यूटन एट ए पोजिशन वेक्टर आर इक्वल टू, एट ए पोजिशन वेक्टर आर इक्वल टू एट ए पोजिशन वेक्टर आर इक्वल टू लिखे यहाँ जो पोजिशन वेक्टर आर है यहाँ पर टू आई, टू आई प्लस जे माइनस के मीटर, टू आई प्लस जे माइनस के मीटर
ये वाला आपको टाउन चाहिए था आई माइनस जे और प्लस क्या लिखते हैं पहले आप टा की वैल्यू जहाँ से जो तो पहले टा की वैल्यू आप काम कर लीजिए उसके बाद फिर अपना कर लीजिए तो ये हो गया ये क्या प्लस क्या माइनस टू वन वन और प्लस थ्री इसको प्लस क्या टू वन जेड टू माइनस माइनस प्लस फोर इसको प्लस क्या बेटा टू थ्री जेड सिक्स माइनस कितना फोर अब तुम्हारा आगे कितना फोर आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के वैल्यू आप क्या चार नंबर मिल गया अब इसके मॉड आप ले लेंगे ताकि वैल्यू ठीक है जिसमें हमारा क्या है डॉट प्रोडक्ट है तो आप क्या लेंगे उसमें मॉड ले लीजिए तो टाउन का कितना आएगा रूट फोर का सिक्सटीन सिक्स का थर्टी सिक्स टू का फोर थ्री हो गया ट्वेंटी फिफ्टी सिक्स ये टाउन का वैल्यू आपके मॉड में इसे मॉड आप टाउन कह देंगे और हमें चाहिए p इक्वल टू टाउ इनटू कितना मॉड ऑफ टाउ इनटू ओमेगा ओमेगा की वैल्यू कितनी है एक ओमेगा वैल्यू आपको दे रहा 5 तो ये होगा रूट 56 इनटू 5 ठीक अब 56 तो कितना हो जाएगा 7.36 अगर 64 और 39 हो जाता है और 49 होता तो 7 हो जाता है यानी 7.66 वगैरह है क्या कितना आया कन्वर्ट किया है अप्रॉक्सिमेटली 7.6 समथिंग आया 56 का रूट कितना है देखते हैं तो यानी जब आप कैलकुलेशन करते हो रूट ऑफ 56 कितना है रूट 56 7.45 आ रहा है 48 आ रहा है 7.5 आ रहा है 7.4 आपका हो गया पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बेस पर आपका प्रेजेंटेशन यहाँ से होता था अगर कहीं पावर को लेकर करते हैं और एक चीज़ का बताया था टाउ की वैल्यू आई टू अल्फा आई टू क्या है अल्फा जैसे एम ए कर दिया एम ए लिखा था ना वैसे टाउ कर तो कब करते हैं क्या कहता है आई टू अल्फा तो एक क्वेश्चन उसमें भी बनता है एक क्वेश्चन कर लीजिए जहाँ टाउ लिखा है वहीं के जो लोग नहीं थे कल वो लिख दीजिएगा टाउ कर टू आई टू क्या होता है आपका अल्फा ठीक है क्वेश्चन पे कर लीजिए क्या हो बोले देखिए एक ग्राइंडिंग स्टोन इन द फॉर्म ऑफ ए इन ए ग्राइंडिंग स्टोन इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर फॉर्म ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर हैज ए रेडियस ऑफ 0.5 मीटर हैज ए रेडियस ऑफ 0.5 मीटर हैज ए रेडियस ऑफ 0.5 मीटर एंड मास 50 केजी 0.5 मीटर एंड मास कितना मीटर 50 केजी देखिए What are cool? per minute
in 10 सेकंड, इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में उसका जो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब 300 रिवॉल्यूशन पर सेकंड मिनट, 0 से बढ़ते 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाएगी। Thank you.
वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं टाउ की वैल्यू फाइंड करते हैं। सामने हमने अभी बोला था जैसा बताया था आई टू क्या होता है, आई टू वर्क सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो हमने क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर, पहले आई की वैल्यू क्या होता है बेटा हाफ एम आर स्क्वायर होता है, हाफ एम की वैल्यू कितना है 50, आर की वैल्यू 0.5 होगा ना, तो ये वैल्यू आ गया 25 और ये 25 × 0.25 दैट इज 6.25 के इंटू मीटर स्क्वायर आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, हमको निकल जाएगा अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा निकालने से पहले हमें देखो ओमेगा नॉट जो पहले है ओमेगा नॉट इनिशियल वैल्यू 0 दी गई है, मतलब पहले रेस्ट में था, ओमेगा की वैल्यू निकालो, ओमेगा का मतलब 2π × 10 लेकिन एन की वैल्यू हम पे रिवोल्यूशन पर मिनट में दिया है, फ्रीक्वेंसी जो होती है रिवोल्यूशन पर सेकंड होती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो 300/60 करेंगे तो 2π × n की वैल्यू हो जाएगी 300 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया था और हमें चाहिए क्या पर सेकेंड मीटर, तो यहाँ पे 60 से डिवाइड करके 5 × 10 ये ओमेगा हो गया। हमको निकालना है अल्फा की वैल्यू क्योंकि चाहिए अल्फा है, मतलब क्या चाहिए हमको रिक्वायरमेंट आई चाहिए था आई हमें पहले कैलकुलेट कर लिया, दूसरा सेकंड पार्ट में अल्फा चाहिए तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, हमने पढ़ते हैं फॉर्मूला ही पढ़ा है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा इनटू टी ओमेगा नॉट की वैल्यू 10π हो गया बेटा और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा की वैल्यू चाहिए टी की वैल्यू आपको 10 सेकंड दिया गया है, तो अल्फा यहाँ से निकालो तो आ जाएगा पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर पाई का मतलब पॉइंट क्या होता है 1/4 होता है। अब हम लोग इसे की बेटा इस फार्मूले में पहले सब्स्टिट्यूट कर दो तो टाउ बराबर आई की वैल्यू आई है 6.25 × π/3.14 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है बेटा 19.6 सेंटीमीटर इंटू इतना टारगेट उस बॉडी का अप्लाई करोगे तो 10 सेकंड पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ठीक है वो 10 रिवोल्यूशन क्या वो 30 रिवोल्यूशन पर मिनट के बराबर हो जाएगी, ठीक है तो यहाँ से इक्वेट करके हम लोग पता लग जाएगा कर लेंगे इतना इतना कर लीजिए कल अगले क्वेश्चन करते हैं, ठीक पर क्वेश्चन क्या डालेगा बेटा इसमें क्वेश्चन ही है यूनिट पे, ठीक है क्वेश्चन से आपको पुटअप होते हैं चलिए इसको आप